बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार यूसुफ खान, जिनका फिल्मी नाम दिलीप कुमार था, 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अदाकार सदाकार यूसुफ खान को सांस लेने में दुश्वारी पर 30 जून 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में भी मुंतकल कर दिया गया था। ताहम बुध यानी कि 6 जुलाई 2021 को अस्पताल के अंदर ही वो अपने खालके हकीकी से जा मिले। दिलीप कुमार साहब को मुंबई के जोहो कब्रिस्तान में दफनाया गया और उन्हें सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। दोस्तों, अब हम आपको तफसील से बताएंगे कि दिलीप कुमार किस तरह बॉलीवुड का हिस्सा बने। अदाकार सदाकार गुलकार यूसुफ खान 11 दिसंबर 1922 को पिशावर के इलाका मोहल्ला खुदादाद में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तलीम मकामी दरसगाहों में ही हासिल की। आपकी उर्दू बहुत अच्छी थी। अदाकार यूसुफ खान के वालिद खुश्क मेवों और फलों के ताजर थे, जो अपने कारोबार के सिलसिले में क्वेटा, बम्बई और कलकत्ता जाते रहते थे। उन्होंने 1930 की दहाई में फैसला किया कि वो परमानेंट यानी के मुस्तकिल सुकूनत मुंबई में कर लेंगे। यहीं से यूसुफ खान के लिए वो राहें खुली जिनसे गुजरते हुए वो बरसगीर के मकबूल तरीन फिल्मी सितारों की सफ़े अव्वल में जा खड़े हुए। अपने दौरे तालबे इल्मी में वो मुंबई के एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर मसानी से मुतारफ हुए थे। एक रोज़ डॉक्टर साहब ने यूसुफ साहब को बताया कि वो मशहूर अदाकारा और फिल्म साजी के मरकज बॉम्बे टाकीज की मालकन देविका रानी से मिलने जा रहे हैं, अगर वो साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं। देविका रानी सिर्फ अदाकारा नहीं थी, उन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा की खातून अव्वल भी कहा जाता था। यूसुफ खान अपने डॉक्टर दोस्त के हमरा जब देविका रानी के घर पहुंचे तो देविका की जोहरे शनास नजर ने यूसुफ में अदाकारी की साहितों को बांप लिया। देविका ने वही यूसुफ खान को फिल्म में काम करने की पेशकश की और कहा कि 1250 रुपए में आपको महाना तनखा दूंगी। दिलीप कुमार साहब अपनी खुद नोश में लिखते हैं कि जब देविका ने उन्हें फिल्म में काम करने की पेशकश की तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और बल्कि ये सोचा कि वो इसका तजर्बा नहीं रखते। उसी दिन यूसुफ खान को जवाब दिए बगैर जब डॉक्टर मसानी के साथ वापस घर आ गए तो उन्होंने इस किस्सा का जिक्र अपने भाई अयूब खान से किया। अयूब खान ने कहा कि तुम्हें कहीं सुनने में गलतफहमी तो नहीं हुई कि वो 1250 ही आपको महाना तनखा देना चाहती थी। यूसुफ खान फिर अपने डॉक्टर मसानी से मिले और उनसे पूछा क्या देविका रानी ने वाकई ही मुझे 1250 रुपए महाना की ऑफर की थी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही था। उसके बाद यूसुफ खान देविका रानी से मिले और हाँ कर दी। बॉम्बे टॉकीज की मालिका देविका रानी ने यूसुफ खान से कहा था कि यूसुफ मैं तुम्हें बाहसियत अदाकार मुतारफ कराने के बारे में सोच रही हूँ और मेरा ख्याल है अगर तुम एक फिल्मी नाम अपनाओ तो ये कोई बुरा ख्याल नहीं होगा। ऐसा नाम जिससे तुम जाने और पहचाने जाओ और जो पर्दा सीमी पर जाहिर होने वाले तुम्हारे रोमानी किरदारों का मौजू होगा, यानी वो आपका नाम तब्दील करना चाहती थी। तो देविका रानी ने ही आपका नाम यूसुफ खान से दिलीप कुमार रख दिया और 1944 में रिलीज होने वाली फिल्म ज्वार बाटा से उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। यूसुफ खान ने फिल्म में काम करने की बात अहले खाना से एक माह तक छुपाई रखी। घर में सिर्फ उनके बड़े भाई अयूब खान को ही उनके बारे में ये इल्म था कि वो बॉम्बे टॉकीज में मुलाजमत कर चुके हैं, क्योंकि उनके वालिद सरवर खान रवायती सोच रखते थे और फिल्मों में काम करने वालों का शुमार उस वक़्त अच्छे शुरफा में नहीं होता था। एक दफ़ा आपके वालिद ने नजूमी से अपने बेटे के बारे में पूछा था कि ये लड़का बड़ा होकर क्या बनेगा, तो नजूमी ने कहा था ये लड़का अदाकार बनेगा, तो उनके वालिद सरवर खान को ये पेशगोई नागवार गुजरी थी। यूसुफ खान अब दिलीप कुमार के नाम से फिल्मी दुनिया में धमाकेदार एंट्री दे चुके थे। वो इब्तदा ही में फिल्म बीनों और फिल्म साजों को अपनी जानब मुतवज्जा कर चुके थे। दिलीप कुमार अपनी डेब्यू फिल्म ज्वार बाटा से तो इतने मकबूल ना हुए, लेकिन उनकी फिल्म देवदास, मुगले आजम, अंदाज, आन, आजाद, गंगा जमुना, शक्ति, कर्मा, क्रांति, सुदागर और फिल्म जुगनू बहुत ही पॉपुलर हुई, जिनमें उन्होंने अदाकारी के जोहर दिखाकर अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी फिल्म जुगनू की एक खास बात यह भी थी, उसमें पाकिस्तानी गुलकारा सदाकारा अदाकारा नूरजहां ने उनकी हीरोइन का किरदार अदा किया था।
दिलीप कुमार साहब की आखिरी फिल्म किला थी जो 1998 में स्क्रीन पर नमूदार हुई। उसके बाद उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन परस्तारों के दिल में उनकी मोहब्बत कायम रही। दोस्तों, यूं तो दिलीप कुमार ने फिल्मी दुनिया के कई अवार्ड्स अपने नाम किए और उन्हें पहला फिल्म अवार्ड हासिल करने का एजाज भी हासिल है। उन्होंने मजमुई तौर पर 8 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। इंडिया की हुकूमत ने 1991 में दिलीप कुमार को सबसे आला सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से भी नवाजा, जबकि उन्हें बॉलीवुड फिल्म नगरी का सबसे बड़ा मोतबर अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड 1994 में दिया गया। उनकी खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें 1998 में आला सिविलियन अवार्ड निशान इम्तियाज से नवाजा था। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में लेजेंड फनकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शौकत खान अस्पताल जब बनाया जा रहा था तो उनकी कोशिशों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी हाँ, उनकी एक वीडियो भी यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें वो इमरान खान के साथ उस बड़ी महफल में मौजूद हैं जहां पर शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए लाहौर के अंदर चंदा इकट्ठा किया गया था और उस वक्त अदाकारा रेखा भी वहां पर आई थी। और उस प्रोग्राम की खास बात यह भी थी कि उन्होंने इमरान खान के बारे में जो अल्फाज पेश किए थे, जो अल्फाज कहे थे, वो शायद आज तक इमरान खान की शख्सियत के लिए किसी ने उर्दू में ना कहे हों। दिलीप कुमार साहब की अगर अज़वाजी ज़िंदगी की बात करें तो दिलीप कुमार ने 1966 में अपनी साथी अदाकारा सारा बानो से शादी की। सारा बानो दिलीप कुमार के साथ फिल्म गोपी, सगीना और बेराग में काम कर चुकी थी। दिलीप कुमार की सारा बानो से कोई औलाद नहीं थी। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आप यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार की वफात के ऊपर क्या कहते हैं, हमारे साथ अपने ख्यालत का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, पीके मेगा वीडियोस के तमाम सब्सक्राइबर को खुश आमदीद कहते हैं और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी और मैंने पूछा था कि इस पिक्चर में मौजूद जो अदाकारा हैं इनका कोई पसंदीदा ड्रामा हो जो आपने देखा हो। तो सबसे पहले जो कमेंट्स दिया है वो सिदरा रजा ने दिया है और उन्होंने कहा कि ये अरूसा है। जी हाँ, ये अरूसा है लेकिन इनका नाम कुछ और है। थोड़ा नीचे चलते हैं, दूसरा कमेंट्स पढ़ते हैं। आसमा सिद्दीकी कहती हैं ये अरूसा है और इसी तरह तनवीर खान ने भी लिखा है कि ये अरूसा है, जबकि तनवीर खान ने ही दोबारा कमेंट्स दिया और जवाब दिया है कि ये मिशी खान है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, इनका असल नाम मिशी खान है। जैनम अफगान भी कहती हैं ये अरूसा है। जी बिल्कुल अरूसा है और उनका मिशी खान नाम भी उन्होंने लिख दिया है। मैंने वीडियो बनाई थी इमरान अशरफ के ऊपर जो बोला के नाम से फेम हासिल कर चुके हैं। उनके ऊपर नुसरत तुनसिया शेख ने कमेंट्स दिया, ही इज क्यूट एंड हैंडसम। जी बिल्कुल, वो क्यूट भी हैं, हैंडसम भी है और मेहनती अदाकार हैं। शाहदा बेग कहती हैं ये मिशी खान की तस्वीर है और उनका पसंदीदा ड्रामा अरूसा है। रुखसाना जमील कहती हैं मिशी खान है। जान अरशद कहते हैं ये बुशरा अंसारी है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं, बुशरा अंसारी नहीं है। हिना खान कहती हैं ये मिशी खान है और उन्होंने उनका ड्रामा अरूसा भी लिखा हुआ है। ताहिर मसूद कहते हैं मिशी खान है, उनका मशहूर ड्रामा में अरूसा, बारिश के बाद, स्याह और सफ़ेद, सात पर्दों में वगैरह शामिल हैं। बड़ा तफसील से उन्होंने जवाब दिया है मिशी खान के बारे में। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुदरतुल्ला शहाब के ऊपर तो आडियो कुतुब खाना का कमेंट्स है, ग्रेट मैन कुदरतुल्ला शहाब। उज़्मा फरूकी कहती हैं कि आई थिंक अरूसा की मिशी खान है। जी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। नूर जट कहती हैं ये अरूसा हैं। मिस निम्बल कहती हैं माई फेवरेट पर्सनैलिटी फॉर एवर, ये उन्होंने मुशरफ खान के बारे में कहा है। नज़र हसैन कहते हैं शास्त्रा जैद की वीडियो पर ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स दिए। जो कमेंट्स सबसे पहले आते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।